तरह से उन्होंने कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के फायदे में नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी में भी अगर आए हैं तो अपने निजी फायदे के लिए आए। लोग खत्म हो जाते हैं आने जाने वाले, लेकिन पार्टी कभी खत्म नहीं होती। कांग्रेस से फिर वो ये देख करके कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो उसमें आ गए। वर्चस्व कायम रखने के लिए अब उन्होंने ये रास्ता चुना है, बहुजन समाज पार्टी। वो पार्टी के फायदे में नहीं आए, मैं मौजूद था उनके साथ, तो उनको कहा भी था कि भाई आपको हम सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने इतना इंतज़ार कहाँ उनको है, उनको तो फौरन चाहिए। सवाल है विधायक साहब, हाल ही में समाजवादी पार्टी से जुड़े इमरान मसूद साहब ने दो दिन पूर्व सपा का दामन छोड़ बसपा का दामन थामा है, क्या सहारनपुर की सियासत में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बहुत लोग आते हैं, बहुत जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं आने जाने वाले, लेकिन पार्टी कभी ख़त्म नहीं होती। समाजवादी पार्टी एक सिर्फ पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी एक सोच है। पार्टियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन सोच कभी ख़त्म नहीं होती। और जो सोच आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो जनता के बीच में पैदा करके गए हैं, उस तरह की सोच है जो किसी के आने जाने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर बार नेताजी ये दिखा करके गए हैं, कई बार सब जानते हैं कि उन पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन उसके बाद भी वो और अधिक ताकत के साथ, हिम्मत के साथ उन्होंने पार्टी को आगे ले जाने का काम किया। कभी वो दुश्मन से डरे नहीं, और ये संस्कार अपने कार्यकर्ताओं में वो दे करके गए हैं। इसलिए किसी के आने से, किसी के जाने से पार्टी पर कोई फ़र्क ना कभी पड़ा है ना कभी पड़ेगा। एक सवाल और विधायक साहब आपसे, जैसे कि इमरान मसूद अभी दलितों को और मुस्लिमों को लेकर एक समीकरण करने जा रहे हैं, क्या ये समीकरण वाकई साबित होगा या सफल होगा? देखिए, उनके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन चूँकि मौका प्रस्त लोगों के बारे में क्या कहा जाए, अभी पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, वहाँ से छोड़ कर के जब उनका टिकट काट दिया तो कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस से फिर वो ये देख कर के कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है तो उसमें आ गए। जब समाजवादी पार्टी से कुछ नहीं हुआ तो अब एक ही रास्ता उन पर बचा था कि वो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए अब उन्होंने ये रास्ता चुना है, बहुजन समाज पार्टी। वो पार्टी के फायदे में नहीं आए, मैं जहाँ तक समझता हूँ वो बहुजन समाज पार्टी के फायदे के लिए या बहन जी को कोई फायदा पहुँचाने के लिए नहीं आए। कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सिर्फ सियासत चमकाने के लिए आए हैं, उनकी सियासत सपा में रहते हुए कुछ अधूर रह गई थी, मतलब भटकती जा रही थी, क्या वाकई सच है? ये तो जाहिर है, अभी मैंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कपड़ों की तरह पार्टियां बदलने का काम किया है, तो जाहिर सी बात है वो पार्टी के फायदे में नहीं आए। बहुजन समाज पार्टी में भी अगर आए हैं तो अपने निजी फायदे के लिए आए। तो कुछ लोग ये भी मानने कि समाजवादी पार्टी में इमरान मसूद जी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा था, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, चूँकि उनको चार दिन तो आए हैं, अभी चुनाव में तो आए थे, लास्ट टाइम में जब नॉमिनेशन के टाइम पर तो समाजवादी पार्टी में आए थे, और उनको ये कहा भी था, मैं मौजूद था वहाँ पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष, मैं मौजूद था उनके साथ, तो उनको कहा भी था कि भाई आपको हम सम्मान देंगे, लेकिन उन्होंने इतना इंतज़ार कहाँ उनको है, उनको तो फौरन चाहिए। तो दर्शकों को ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक देहात विधानसभा से मसूद अख्तर, दिखाएंगे अगली वीडियो, तब तक बने मेरे साथ सहारनपुर से पुरुषोत्तम सैनी के साथ, बीजी न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।